छठी मैया दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में एक बार जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि छठ उत्तर भारत का बहुत ही विशेष त्यौहार मनाया जाता है, पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में, और आजकल तो जगह जगह पर देश विदेशों में भी छठ का महत्व बताया गया है। पर बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि छठ में जब अर्घ दिया जाता है और नदी पानी में या फिर तालाब में या फिर आजकल तो लोग घरों पर भी छठ का पर्व मनाते हैं, एक छोटा सा पोखर या तालाब बनाकर उसी में पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब अर्घ दिया जाता है, माताएँ बहने पानी में जो खड़ा रहते हैं, जो व्रत करती है, उन्हें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो नई जानकारी आपको हमेशा की तरह देंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो आज हम मैं बताने वाली हूँ आपको कि पानी में जब हम खड़े रहते हैं तो कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए। तो जब हमें मंत्र का उच्चारण मन से, श्रद्धा से, भक्तिभाव से करना चाहिए, तो छठी का जो पर्व है, छठ पर्व है, उसका शुभारंभ हो जाता है दिवाली के चौथे दिन से ही। सबसे पहले होता है नहाय खाय। नहाय खाय के दिन हमें कद्दू भात का सेवन करना चाहिए, ये अनिवार्य होता है। कद्दू की सब्जी और अरवा चावल, नया चावल का अरवा चावल का खाना बनता है। दूसरे दिन गुड़ से बनी हुई खीर बनाई जाती है। और तीसरे दिन सांझ का अर्घ, जिसको पहला अर्घ भी बोला जाता है, और दूसरे दिन सुबह का अर्घ भी बोला जाता है, और उसकी पूजा करने के बाद ये व्रत संपन्न हो जाता है। तो जब हम व्रती पानी में उतरती है तो उन्हें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो उन्हें बोलना चाहिए गायत्री मंत्र। जी हाँ भक्तों, गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र में अपार शक्ति होती है और छठ के दौरान गायत्री मंत्र का ही जाप होता है। अब बात आती है जिन महिलाओं को, जिन भक्तों को जिसने व्रत किया है, उन्हें अगर गायत्री मंत्र नहीं आता हो तो वो क्या करें? तो उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर गायत्री मंत्र नहीं आता है तो आप प्लीज़ सूर्य देवता का नाम लीजिए। अगर आप सूर्य देव के 12 नामों का जाप करती हैं तो आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही आपकी जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी दूर। जिस भी इच्छा से आप इस व्रत को कर रही हैं वह संपन्न होगा। अगर आप सूर्य देव के 12 नामों का जाप नहीं कर पा रही हैं तो सिर्फ आप इतना ही बोलिए, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। सिर्फ मन में श्रद्धा और विश्वास रखिए, जितने भी द्वेष क्लेश है उसे त्याग दीजिए और श्रद्धा मन से छठी माँ को पुकारेंगे तो अवश्य ही आपकी उपासना का स्वीकार करेगी और आपका जो पूजा है वो सफल होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो मैं बनाते रहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी वीडियोस में आपको ये भी मिल जाएगा कि पीरियड के दौरान छठ कैसे करते हैं। तो प्लीज़ देखने के लिए धन्यवाद।